अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया आपके लिए लाता है एजुकेशन अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज के अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि फैसला किया गया है कोरोना के बारे में, जो इंसदादी कमेटी बाय कोरोना थी उनको एक तजवीज़ दी गई कि कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप एक डिसीजन ले लें, एक फ़ैसला कर लें, आप इस बारे में कोई गौर करें कि हमें कोई लॉकडाउन कर देना चाहिए या लोग एहतियात नहीं कर रहे तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन की जानब कोई कदम बढ़ा लेना चाहिए। तो जिसके बाद कोरोना के बारे में जो इंसदादी कमेटी बाय कोरोना थी उन्होंने ये फ़ैसला ले लिया है कि उन्होंने लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया है और वो लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहे हैं। जिसके बाद अब उन्होंने ये बताया है, जिसकी वजह ये थी कि कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, लाहौर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है पहले की नस्बत अब, और इसके साथ उन्होंने ये भी इसकी एक वजह बताई है कि फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से स्मोग में भी इजाफा हो रहा है और लोगों को सांस की जो मसाइल हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी लाहौर में, जो कि कोरोना के इजाफे की वजह से 13 इलाकों को सील किया गया, ये फैसला किया गया है इंसदादी कमेटी बनाए कोरोना की जानब से। उन्होंने इस बात का फ़ैसला लिया, इस बात का हुक्म दिया कि कोरोना की वजह से चूँकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग एहतियात नहीं कर रहे तो आप लाहौर के जो अहम इलाके हैं जहां पर इजाफा ज़्यादा नज़र आया है उनको सील कर दें, यानी उनको स्मार्ट लॉकडाउन फ़िलहाल करने का अभी इंडिया दिया गया, मशवरा दिया गया और ये करने जा रहे हैं वो। लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, इसमें कौन कौन से इलाके होंगे ये नाम मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाज़ तलबा की जानब से एक सवाल आ रहा था कि लाहौर में चूँकि 13 इलाकों को सील कर दिया गया, क्या तालीमी इदारों को भी बंद किया जा रहा है। मैं अभी तक आपको यही बताता जाऊँ कि जो इंसदादी कमेटी पर कोरोना है उनका अभी तक जो फैसला है उस फैसले के मुताबिक लाहौर के 13 इलाकों को में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि लाहौर के जो ये 13 इलाके हैं इनमें कोरोना के चीज़ों के केसेस इजाफा हो रहा है तो यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन ज़रूर लगना चाहिए। इसके साथ साथ मज़ीद जो इस बात बारे में तलबा की जानब से सवाल आ रहे थे कि क्या कोरोना की वजह से और स्मार्ट लॉकडाउन जो लगा है तालीमी इदारों को भी बंद करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखें और इसके बारे में सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब जो पंजाब के हैं और जो फेडरल मिनिस्टर तलीम वज़ीर तलीम हैं जो शफकत महमूद साहब, उनकी जानब से इन दोनों की जानब से इस बारे में अभी तक कोई ट्वीट नहीं आई, कोई पैगाम नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया कि हम तालीमी इदारों को मुकम्मल बंद करेंगे या सील करेंगे। हाँ अलबत्त ये ज़रूर है कि जिन स्कूलों में कोरोना की वजह से जो SOPs बताई गई हैं वो फॉलो नहीं हो रही और वहाँ पर केसेस कोई रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव अगर केसेज आ रहे हैं तो उनको सील किया जा रहा है। मतलब बंद करना एक तो है ना कि गवर्नमेंट की जानब से एक ऐलान कर दिया जाए कि तलीमी इदारों को कोरोना के इजाफे की वजह से बंद कर दिए, वो इसकी वजह ये बता रहे हैं कि जिन तलीमी इदारों को सील किया जा रहा है उसकी वजह ये है या तो वहाँ पर कोरोना की वजह से जो SOPs बताई गई हैं वो फॉलो नहीं हो रही, उन पर अमल नहीं किया जा रहा, या वहाँ पर कोरोना के जो केसेज़ हैं उनमें इजाफा ज़्यादा हो रहा है। इसमें जो बाज़ स्कूल बंद हुए हैं, जो जिन बाज़ स्कूलों को सील कर दिया गया है वो इस्लामाबाद के हैं, इसके साथ साथ पंजाब या लाहौर में अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि तलीमी इदारों को बंद किया जाए, कोई ऑफिशियल ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि तलीमी इदारों को भी बंद किया जाए। हाँ अलबत्त लाहौर के 13 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं है, कोई अपडेट, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि तलीमी इदारों को भी बंद करेंगे। ना तो सर्दियों की छुट्टियों की वजह से फ़िलहाल तलीमी इदारों को बंद करने वाले हैं और ना ही कोरोना की वजह से और ना ही फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से जो स्मोक बढ़ रही है, ना इस वजह से तलीमी इदारों को बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे, ना तलीमी इदारों को स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर रहे हैं, ना मदरसा को बंद कर रहे हैं, किसी भी तलीमी इदारे को बंद करने का कोई अभी तक फैसला नहीं है, इस बारे में कोई भी ख्याल नहीं है। हाल अलबत्त लाहौर के 13 इलाकों को सील यानी स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लाहौर के 13 इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक अनार कली, मोजांग, गुलशन रावी के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। DHA फेज 6 एल सेक्टर और अस्करी 11 के कुछ इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन होगा। कैवली ग्राउंड, DHA A ब्लॉक, HBFC सोसाइटी बी ब्लॉक और न्यू मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसी तरह रज़ा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, गार्डन टाउन में, टीपू ब्लॉक और बाबर ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जाया का कहना है कि इंसदादी कमेटी पर कोरोना को लाहौर के इन इलाकों में लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी गई थी जिसकी मंजूरी दे दी गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मोलक वायरस से मजीद 9 अमवात हुई हैं। ये अब तक की आपके लिए अपडेट थी।
کرونا کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو اضافہ ہو رہا ہے لاہور کے 13 علاقوں کو بھی جو میں نے آپ کو نام بھی واضح طور پر بتایا سکرین پر بھی آپ نے دیکھے ان میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا وہاں پر لاک ڈاؤن ہوگا البتہ تعلیمی اداروں کو بالکل بھی بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے جو طلبہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر رہے ہیں تو ابھی تک بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اس بارے میں کوئی آفیشیل نوٹس نہیں ہاں البتہ اگر کوئی اس بارے میں آفیشیل اناؤنسمنٹ آئے گی کہ آفیشیل متعلقہ اداروں کی جانب سے محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے یا وزرائے تعلیم کی جانب سے جو بھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ آئے گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اس کے لیے آپ علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آئندہ جب بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفکیشن مل سکے مجھے تب تک کے لیے دیں اجازت جب تک کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آتی اللہ حافظ